भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। ये जो बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित ग्रंथ मूल रूप से अंग्रेजी में, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। इसका अनुवाद किया है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने। हमने पिछली कड़ी में देखा कि कैसे पुरोहित उदाई ने राजकुमार सिद्धार्थ को रोकने के लिए अंतपुर की उन सुंदरियों को कितनी हिदायतें दी और कितने ऐसी विधियां बताई कि कैसे वो राजकुमार को रोक सकते हैं। राजकुमार को रोकने के लिए उन्हें जो कुछ करते बनता था वो सब उन्होंने किया। अब आगे उदाई समझ गया कि तरुणिया असफल रही है और राजकुमार को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब उदाई ये निश्चित हो गए कि राजकुमार सिद्धार्थ इस अंतपुर में रुकने वाले नहीं। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने की सोची तो उदाई को लगा कि क्यों ना स्वयं ही बातचीत करनी चाहिए। तो राजकुमार से एकांत में उदाई ने कहा कि राजकुमार, क्योंकि मुझे राजा ने आपके सहृदय पद पर नियुक्त किया है, इसलिए मैं एक मित्र की हैसियत से ही आपसे दो बातें करना चाहता हूं। पुरोहित उदाई ने राजकुमार सिद्धार्थ से ये कहा कि राजकुमार, मुझे स्वयं राजा ने आपके सहयोग के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपकी देखभाल के लिए यहाँ नियुक्त किया है आपके साथ, तो मैं एक मित्र की हैसियत से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। किसी अहित काम से बचाना, हितकर काम में लगाना, विपत्ति में साथ न छोड़ना, मित्र के ये तीन लक्षण हैं। पुरोहित उदाई राजकुमार सिद्धार्थ से कह रहे हैं, यदि मैं अपनी मैत्री की घोषणा करने के बाद भी पुरुषार्थ से विमुख आपको न समझाऊं तो मैं अपने मैत्री धर्म से च्युत हो जाऊंगा। मैंने अपने मैत्री धर्म को नहीं निभाया, ऐसा उसका मतलब होगा, और इसलिए राजकुमार मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं एक मित्र की हैसियत से। ऊपरी मन से भी स्त्रियों से संबंध जोड़ना अच्छा है, इससे आदमी का संकोच जाता रहता है और मन का रंजन भी होता ही है। पुरोहित उदाई राजकुमार सिद्धार्थ को यह बात समझा रहे हैं। अब वो सुंदरियां हार गई है, वो रुक गई है, और पुरोहित उदाई अब राजकुमार सिद्धार्थ को कुछ बात समझा रहे हैं। निरादर न करना, उनका कहना मानना, इन दो बातों से ही स्त्रियां प्रेम के बंधन में बंध जाती है। निसंदेह सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं, स्त्रियां आदर चाहती है। पुरोहित अपनी नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। हे विशालाक्ष, क्या आप ऊपरी मन से भी उनके सौंदर्य के अनुरूप शालीनता दिखाने के लिए उन्हें प्रसन्न रखने का कुछ प्रयास न करोगे? ये सारी सुंदरियां आपके लिए, आपके मनोरंजन के लिए इतना कुछ कर रही है, क्या आप इनकी बात को नहीं समझोगे, इनको नहीं देखोगे? दाक्षिण्य ही स्त्रियों की औषधि है, दाक्षिण्य ही उनका अलंकार है, और बिना दाक्षिण्य का सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले दाक्षिण्य से भी क्या, उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले काम भोग जब आपकी मुट्ठी में है तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार न करें। पुरोहित उदाई अपने तरह से, अपने तरीके से राजकुमार सिद्धार्थ को यह बात समझाने की कोशिश में है
ये प्रयास कर रहे हैं। काम को ही सर्वप्रथम पुरुषार्थ मानकर प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का आलिंगन किया। और इस प्रकार अगस्त ऋषि ने भी सोम भार्या रोहिणी के साथ रमण किया और श्रुति अनुसार लोप मुद्रा के साथ भी यही बीती। अर्ध अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुध को जन्म दिया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक नीच जाति की स्त्री से सहवास किया। कपिंजलाद नाम का पुत्र ये उन्हीं का पुत्र है और बड़ी आयु हो जाने पर भी राजर्षि ययाति ने चैत्र रथ वन में अप्सरा विश्वाची के साथ समय बिताया। तो ये जो बात है, ये बात पुरोहित उदाई राजकुमार सिद्धार्थ को समझा रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ काम भोग की इस प्रक्रिया में शामिल हो जाए और काम भोग में लिप्त हो जाए। लेकिन वे तो एक ऐसे राजकुमार कि इन सब चीजों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सब होने पर भी आश्चर्य है कि शक्ति तारुण्य और सौंदर्य से संपन्न आप उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर न्यायतः आपका अधिकार है, जिनमें सारा जगत आ सकते हैं। अब इसके बाद जब पुरोहित उदाई की ये बात खत्म हुई तो राजकुमार सिद्धार्थ ने इस प्रधानमंत्री को उत्तर दिया। वैसे पुरोहित उदाई ये प्रधानमंत्री थे। अब देखिए इनको क्या उत्तर दिया। राजकुमार कहते हैं कि पवित्र परंपरा से समर्थित उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को सुनकर मेघ गर्जन सदृश स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेहसिक्त भाषा तो आपके योग्य ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां गलती पर हैं। मैं संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता हूं। मैं जानता हूं कि सारा जगत इन्हीं में आ सकता है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि सारा संसार अनित्य है, इसलिए मेरा मन उनमें रमण नहीं करता। बहुत महत्वपूर्ण बात। राजकुमार सिद्धार्थ पुरोहित उदाई को बता रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री है और राजकुमार के सेवा में उनके सहयोगी के रूप में उनके सेवा में कार्यरत है। उनको वो बता रहे हैं कि देखो, मैं सुंदरता का अवमान नहीं करता, उसकी अवहेलना नहीं करता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये सब अनित्य है, यह हमेशा के लिए टिकने वाला नहीं है। जिस सौंदर्य को आज इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अगले ही क्षण खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और तब फिर इसे क्या करोगे। तो ये जब इसमें नित्यता है ही नहीं, ये अनित्य है, तो मैं इसमें क्यों आसक्त हूं, मेरा मन उसमें रमण नहीं करता। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी ये किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं, उसका मन विषयों में रमण करे। अगर ये सौंदर्य स्थायी भी रहे, ये स्त्रियों में जो सौंदर्य है ये अगर स्थायी रहे, मान के चलते हैं, रहता तो नहीं लेकिन मान के चलते हैं कि रहे, तब भी कोई बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं कि उनका मन विषयों में रमण करे। और जहां तक तुम कहते हो कि वे बड़े बड़े महात्मा भी विषयों में वशीभूत हुए हैं, तो वे इस विषय में प्रमाण नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए हैं। अगर वे इसमें रममाण हुए, वे इसमें फंस गए, तब भी वे इसमें क्षय को प्राप्त हुए हैं। जहां क्षय है वहां वास्तविक महानता नहीं है। जहां भी क्षय हो रहा है वहां वास्तविक महानता नहीं है। जहां विषयाशक्ति है वहां वास्तविक महानता नहीं है। जहां असंयम है वह वास्तविक महानता नहीं है। और ये जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो चाहे ये दक्षता से भी हो तो भी मुझे ये रुचिकर नहीं है।
यदि ये यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन भी प्रिय नहीं। यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। देखिए राजकुमार कितने स्पष्ट है उनके युवावस्था में भी, जब उनका विवाह हाल ही में हुआ है और अंतपुर में राजा शुद्धोधन ने उनके भोग विलास की, उनके ऐश्वर्य की और उनके लिए जो आलिशान जीवन जीने की बात है उसकी सारी व्यवस्था करके रखी है। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जहां पर अपना मन नहीं है वहां वैसा अनुवर्तन भी धिक्कार है। जहां राग का अतिशय है, जहां मिथ्यत्व में विश्वास है, जहां असीम आसक्ति है और जहां विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, ऐसी वंचना में भी क्या धरा है। जहां किसी तरह का कोई विश्वास ही नहीं, मिथ्यत्व में क्या विश्वास करें? जो मिथ्या है, जो झूठ है, उसमें क्या विश्वास करें? तो झूठ में विश्वास मैं नहीं कर सकता। फिर राजकुमार आगे कहते हैं, और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखे, या फिर देखे तक नहीं? और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखे तक नहीं? क्या ऐसा हो सकता है? फिर वे कहते हैं, क्योंकि ये सब ऐसा ही है इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय भोग के अशोभन कुपथ पर नहीं ले जा सकते। ये जो विषय भोगों का कुपथ है, ये सुपथ नहीं है, ये अच्छा रास्ता नहीं है, ये बुरा रास्ता है और इस बुरे रास्ते पर तुम नहीं मुझे ले जाओगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृत्तांत जाकर सुनाया। जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसका पुत्र का चित्त किस प्रकार विषयों से सर्वथा विमुख है तो उसे सारी रात नींद नहीं आई। फिर राजा के मन में वही बात आई कि पुरोहित उदाई ने जो बताया कि राजकुमार उस अंतपुर में कहीं भी नहीं मन लगाते हैं, और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप में ये उत्तर दिया है कि ये सब अनित्य है, मैं इस अनित्य में रममाण नहीं हो सकता। और ये बात सुनकर राजा शुद्धोधन को सारी रात नींद नहीं आई। उसके दिल में वैसा ही दर्द था जैसे किसी हाथी की छाती में तीर लगा हो। अपने मंत्रियों के साथ उसने बहुत सा समय ये विचार करने पर खर्च किया कि वह किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सकेंगे। वो अपने मंत्रियों से इस बात पर विचार विमर्श करते रहे कि राजकुमार सिद्धार्थ को कैसे विषय भोगों में लगाया जा सकता है और वो उस जीवन से विमुख कर सके जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करके वे मात खा चुके थे उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। उनके पास जितने उपाय थे वो सब कर चुके थे लेकिन उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। और फिर जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में निगूढ़ प्रेम था, उन तरुणियों की सारी मंडली विदा कर दी गई। और फिर वो सारी सुंदरियां जो ये सब लेकर अपने सौंदर्य, अपनी कला, अपने कौशल सब लेकर जो राजकुमार सिद्धार्थ को रोकने के लिए अंतपुर का हिस्सा बनी थी, लेकिन वो राजकुमार को अपने मोहजाल में फंसा न पाई तो राजा शुद्धोधन ने उन सबको विदा कर दिया और वो सब चली गई। अब ये बात आगे बढ़ती है लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं देता तो यहाँ हम लोग रुकेंगे। इस समय ये जो पठन चल रहा है ये है बुद्ध एंड इस धम्मा, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की कालजयी रचना, और इसका ये हिंदी अनुवाद जो डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने किया है इसे हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अब इजाजत दीजिएगा इस वादे के साथ कि कल अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी।
बुद्ध और उनका धम्म।